नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस परीक्षा की जो डेट घोषित की गई थी 28 और 29 जून की गई थी, लेकिन जब से दोस्तों इसकी एग्जाम डेट आई है तभी से इसका विरोध हो रहा है। और इसका जो सिलेबस आया था दोस्तों, भारी बदलाव के साथ सिलेबस है वो 19 अप्रैल को जारी किया गया था, यानी कि अप्रैल का मई और जून, यानी सिर्फ 2 महीने का समय ही आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, जबकि सिलेबस दोस्तों काफी ज्यादा था। राजस्थान ज्योग्राफी में 66 नए टॉपिक छोड़े गए थे। तो सिलेबस को देखते हुए दोस्तों, और जी मेंस की एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, बीएससी एमएससी की एग्जाम को देखते हुए दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती को पोस्टपोन करने को लेकर लगातार 3 बार स्टूडेंट जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर चुके हैं। और इसको देखते हुए दोस्तों, शाम को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को आप पूरे जरूर देख लेना। साथ में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि राजस्थान लैब असिस्टेंट की लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, की आप सबको बता होगा 28-29 जून को एग्जाम है, लेकिन उस एग्जाम को पोस्टपोन को लेकर हजारों छात्र दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि उनकी कॉलेज की भी एग्जाम है। इस वजह से जो राजस्थान लैब असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है उसको पोस्टपोन किया जाए। इसको लेकर दोस्तों छात्र बता रहे हैं कि उनकी एमएससी के भी एग्जाम चल रहे हैं और बीएससी के भी एग्जाम है, जो आपस में क्लैश हो रहे हैं। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के समर्थन में लगातार छात्रों ने आंदोलन किया है ट्विटर पर दोस्तों, और इसके पीछे कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। जैसे कि 19 अप्रैल को जो सिलेबस डाला गया था उसमें साइंस वालों के 2 पेपर कर दिए गए हैं, तो छात्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए और समय मिलना चाहिए। सेकंड ग्रेड इतना सिलेबस देकर, मात्र 2 महीने का समय देकर छात्रों का हित नहीं है। और यूनिवर्सिटी और जी मेन्स के एग्जाम लैब असिस्टेंट के एग्जाम के साथ आपस में टकरा रहे हैं, तो एग्जाम डेट में तो बदलाव होगा ही दोस्तों। और राजस्थान प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती है, इस भर्ती परीक्षा को सितंबर में करवाने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि छात्र दोस्तों लगभग 1 महीने से ट्विटर पर पोस्टपोन आरएसएम एसएसपी लैब असिस्टेंट को लेकर ट्रेंड करवा रहे। तो आपको बताएं दोस्तों, एग्जाम पोस्टपोन करने को लेकर हरिप्रसाद शर्मा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उनकी तरफ से बयान आया है कि वो एग्जाम को पोस्टपोन करने को लेकर ऊपर राज्य सरकार से बात करेंगे। अगर वहां से मंजूरी मिल जाती तो एग्जाम को या तो 10 दिन के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि 10 दिन आपकी परीक्षा तिथि आगे बढ़ जाएगी, या फिर दोस्तों इस एग्जाम को जो है दोस्तों बोर्ड के द्वारा सितंबर में करवाया जाएगा, क्योंकि बीएससी एमएससी के एग्जाम जून और जुलाई तक चलेंगी और सिलेबस बड़ा है, इसलिए छात्रों को पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा। और एग्जाम पोस्टपोन भी लेकर आप सबके लिए दोस्तों आज हो सकता है मीटिंग हो सकती है और अंतिम निर्णय आपके लिए निकल किया जाए। तो जी मेंस की एग्जाम और कॉलेज की एग्जाम की वजह से ये फैसला लिया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, आज जो भी मीटिंग का फैसला होगा बोर्ड की तरफ से या फिर एग्जाम को पोस्टपोन करने को लेकर, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी क्या राय है, एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन करने को लेकर भी छात्र संगठित नहीं है। 50% बोल रहे हैं कि पोस्टपोन नहीं हो, 50% बोल रहे हैं कि पोस्टपोन हो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।